दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो अब मोबाइल सेक्टर के बाद ब्रॉडबैंड के क्षेत्र में भी बड़ा धमाका करने की तैयारी में है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस जियो 2018 के अंत तक अपनी ब्रॉडबैंड सर्विस शुरू करने वाली है। रिपोर्ट की माने तो मात्र 1000 रुपए प्रति महीने पर ग्राहकों को फ्री कॉल्स, ब्रॉडबैंड डेटा और जाया जैसी सेवाएं देगी। इसका कनेक्शन लेने के लिए ग्राहकों को 4500 रुपए का रिफंडेबल डिपॉजिट करवाना होगा। फिलहाल जियो अपनी ब्रॉडबैंड सर्विस की टेस्टिंग देश के कई क्षेत्रों में कर रही है। कंपनी 4500 रुपए के रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट के साथ अपने ऑफर के तहत 100 Mbps की स्पीड पर ब्रॉडबैंड डेटा दे रही है। रिलायंस जियो के इस बंडल ऑफर से न सिर्फ दूसरी ब्रॉडबैंड कंपनियों को कड़ी चुनौती मिलने वाली है, बल्कि डीटीएच कंपनियों के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इस मुद्दे पर विचार विमर्श जारी है, लेकिन उम्मीद है कि जियो के बंडल्ड ब्रॉडबैंड प्लान की कीमत 1000 रुपए से कम ही होगी। वर्तमान में रिलायंस जियो अपनी ब्रॉडबैंड सर्विस की टेस्टिंग लगभग 10 शहरों में ट्रायल कर रही है, जिसमें मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, वडोदरा और जामनगर आदि शामिल हैं।